हरिद्वार पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस भाजपा पर तो भाजपा कांग्रेस पर हमला बोल रही है। अब ये जुबानी जंग धरने तक पहुंच गई है। हरिद्वार पंचायत चुनाव में धांधली और झूठे आरोप लगाने के विरोध में कांग्रेस ने हरिद्वार में सत्याग्रह आंदोलन किया। कांग्रेसी नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर अपना आक्रोश को व्यक्त किया। इस सत्याग्रह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि 3 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस जीती हुई थी, लेकिन भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कर रिकाउंटिंग कर उन्हें हराने का काम किया। जिस तरीके से बीजेपी ने सत्ता का हरण किया है, 3 सीटें तो ऐसी थी जो जीती हुई थी और जीतने के बाद उनकी रिकाउंटिंग करके उनको हराया गया, और 13 से सीधे मैंडेट तक पहुंचने के पीछे जो धनबल का इस्तेमाल हुआ है और जिस तरीके से प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किया हमारे लोगों के ऊपर, प्रताड़ित किया और उनको डराया गया है, उससे हम लोग नाराज भी हैं। और जो फोन हरिद्वार के लोगों के आ रहे थे बार बार कि जिनको हमने जिताया उन्होंने हमारे संग धोखा किया है, वो अंकिता हत्याकांड में इन्वॉल्व लोगों के साथ चले गए, वो भर्ती घोटाले में जो सरकार है उसके संग चले गए, विधानसभा भर्ती घोटाले में जिन लोगों ने अपने परिजनों को लगाया उनके संग चले गए, तो हम अपने को ठगा हुआ महसूस करें। हम उस जनता के साथ खड़े होने के लिए आ जाए हैं जो वोट देने के बाद आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के सत्याग्रह में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आप भी सुनिए क्या कहा यशपाल आर्य ने। हरिद्वार पंचायत चुनाव में जिस तरह से भाजपा सरकार ने प्रशासन पर दबाव बनाकर सरकार के सारे पर प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और धन बल का इस्तेमाल कर पंचायती चुनाव में जीत हासिल कर जनता के सामने जिस का खेल हुआ है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। सब कुछ सबने देखा है, जो कांग्रेस के या अन्य दलों के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीतने की स्थिति में थे, चुनाव जीत रहे थे, लेकिन प्रशासन के इशारे पर उन्हें हराने का काम किया गया। हरिद्वार पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कांग्रेस भाजपा पर धांधली का आरोप लगा रही है। हाल ही में इसको लेकर हरीश रावत ने भी भाजपा हमला बोला था।